हमारे जादू का बुरा असर अपेक्षा से भी अधिक तेजी से फैल रहा है। बालवीर के पास समय कम है, हर एक पल कीमती है। शौर्य, मुझे मुझे पूरा विश्वास है, बालवीर बालवीर जरूर सफल होकर आएगा। परियों की छवि समय रेत के नीचे डूबती जा रही है और वहां वीर लोक में वो असली तितलियों जैसी परियां, उनका रूप, उनकी शक्तियां सब बूढ़ी होती जा रही हैं। शौर्य ने कहा था कि जीवक यंत्र का स्पर्श गलती से भी महाबलि को नहीं होना चाहिए, इसलिए गुरु ज्ञानी को ढूंढने के लिए मुझे सत्य खोजक यंत्र का इस्तेमाल करना होगा। अब ये यंत्र उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में अच्छी शक्ति का स्रोत होगा। तो इस दिशा में है गुरु ज्ञानी की समाधि। इस गुफा का अंत है और यहां पर इस बुलंद किले के स्तंभों के अलावा और कुछ भी नहीं, तो फिर गुरु ज्ञानी की समाधि कहां पर है? अगर मुझे गुरु ज्ञानी को ढूंढना है तो गुरु ज्ञानी की तरह सोचना भी पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि गुरु ज्ञानी ने अपने आप को छुपाने के लिए अपनी समाधि ऐसी जगह पर बनाई हो जो नजरों के सामने हो पर दिखाई ना दे। लगता है इस विशाल स्तंभ को अब तोड़ना ही पड़ेगा। गुरु ज्ञानी, अब जीवक यंत्र की मदद से मुझे गुरु ज्ञानी को जागृत करना चाहिए। अरे, ये जीवक यंत्र कहाँ चला गया? आए राजा, आए तो थे हम समाधि ढूंढने, लेकिन यहाँ पर मुलाकात इस हाथ से हो गई। Oh!
छोड़, एक छोड़, अरे छोड़ मुझे, अरे भैया, ये मुलाकात है, ये तो मुक्का बात कर रहा है मेरे साथ, अरे बचा मुझे, भैया बचा। कहीं ये वीरलोक का कोई जादुई यंत्र तो नहीं है? अगर ये जीवक यंत्र किसी भी निर्जीव को छुएगा तो जीवित हो सकता है। आखिर वो जीवक यंत्र गया कहाँ? रुक, क्या है राजा, लोगों के हाथ से समय फिसल जाता है, मौका फिसल जाता है, लेकिन आपके हाथों से तो हाथ फिसल गया। चल मानी चाहिए आपको। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो चलो में कितना पुराना लग रहा है ना। हाँ बहुत अच्छा है। हेलो सुतले, क्या हुआ सुतली, तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुम लोगों ने भूत देख लिया हो। रुक चिंटू, मैं अभी तेरा भरता बनाती हूँ। हिस्ट्री ट्रिप में तुम लोगों की हिस्ट्री बना दूंगा मैं। अरे अरे रिंकू, कूल डाउन। प्रैंक का जवाब प्रैंक से ही दिया जाना चाहिए, वॉयलेंस से नहीं। आउच! स्केलेटन तो इनके साथ ही वॉयलेंस कर रहे हैं। लगता है इनके प्रैंक का आंसर बालवीर खुद ही आके दे रहे हैं। प्लीज माफ कर दो। लेकिन देखो भैया, अगर यहाँ होते तो मुझे दिखाई देते स्केलेटन जिंदा हो गया है, इसके पीछे कोई और रीजन है। अब तो श्योर हो गया है कि यहाँ कोई और लूटा चल रहा है। हो सकता है ये टिम्मी आंटी का कोई नया गेम। ओ, तो इसका मतलब इस जादुई हाथ से निर्जीव चीजों को जगाया जा सकता है, और इसीलिए बालवीर इस हाथ से गुरु ज्ञानी को जागृत करना चाहता है। फिर तो ये हाथ बालवीर के हाथों में नहीं आना चाहिए मेरा राजा। प्लीज मैं माफ कर दो ना स्केलेटन जी, प्लीज मैं कोई बच्चा हूँ स्केलेटन से। चिल्लाते हैं चिंटू चिंटी, अगली बार अगर तुम लोगों ने हमारे साथ प्रैंक किया ना तो बालवीर फिर से आ जाएंगे। नहीं सॉरी, हम अगली बार कभी प्रैंक नहीं करेंगे। सॉरी सॉरी, भाग चिंटी भाग। चलो गाइस, अरे भैराजा, इसका पीछा करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो पैर हैं, लेकिन इसके पास पांच उंगलियां हैं। हम कैसे पकड़ेंगे इस जीवक यंत्र को? Yeah.
राजा वाह। अब बालवीर गुरु ज्ञानी को जागृत नहीं कर पाएगा, ना ही तिमनासा की योजना को रोक पाएगा। दूसरों की चीजों पर नजर रखना अच्छी बात नहीं होती भाईमान। अच्छा, मेरा भी एक उसूल है बालवीर, जिस चीज पर मेरी नजर पड़ गई वो मेरी हो गई। शहीद कर रहे हो? अरे निकल जाता ना यहां से। भैया ये सब क्या हो रहा था? आप मुझे हिस्ट्री ट्रिप के लिए छुट्टी देकर खुद ओवर टाइम कर रहे हो। विवान, दरअसल ये हमारे हेयर क्यों वाइट हो रहे हैं? इसका अर्थ ये है कि तिमनासा ने जादुई छवि यंत्र से परियों पर समय रेत का जादू किया है। इस जीवक यंत्र से अगर तुम बुलंद किले के नीचे तभी गुरु ज्ञानी की समाधि को स्पर्श करोगे तो वो जागृत हो जाएंगे। भैया मैं अभी वीर लोक जाकर बाल परी और बाकी परियों की देखभाल करता हूँ। नहीं विवान, तुम वीर लोक मत जाओ, बल्कि यहाँ पर रहकर बच्चों की सुरक्षा करो, क्योंकि भयमार और तिमनासा मुझे रोकने के लिए बच्चों पर खतरा ला सकते हैं। ओके भैया, और आप क्या करोगे? मैं इस यंत्र की मदद से मैं गुरु ज्ञानी को जागृत करूंगा ताकि वो हमारी मदद कर सके, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, जाओ। भैमार, आज तुमने बड़ी अकलमंदी का काम किया है, क्योंकि मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि शौर्य ने मेरे समय रेत जादू का तोड़ भी निकाला होगा। बहुत खूब। लेकिन अब मैं बालवीर से पहले उस गुरु ज्ञानी की समाधि को उसकी मौत की समाधि बना दूंगी। ना रहेगा ज्ञानी और ना फिरेगा मेरी योजना पर पानी। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुकी तो बालवीर को पता चल जाएगा। मुझे इस मूर्ति को यहाँ से काल लोक लेकर जाना होगा और उसे नष्ट करना होगा। यहाँ जरूर कोई सुरक्षा कवच लगा हुआ है, इसलिए ना ही मैं इस मूर्ति को नष्ट कर सकती हूँ और ना ही इसे यहाँ से ले जा सकती हूँ। अब एक ही रास्ता बचा है। पाप का ये धुआं आप गुरु ज्ञानी की समाधि को महाबली की समाधि के साथ बदल देगा और बालवीर को पता भी नहीं चलेगा।
बालवीर अपनी अच्छाई करने वाले हाथों से महाबली को जागृत करेगा और बुराई करने में मेरी मदद करेगा। समय बिल्कुल भी नहीं बचा है मेरे पास। इस जीवक यंत्र की मदद से मुझे गुरु ज्ञानी को जागृत कर देना चाहिए। यहाँ इस लाइब्रेरी में इस किले की पूरी हिस्ट्री के बारे में बुक्स अवेलेबल है। मैं तो गुरु ज्ञानी की हिस्ट्री पढ़ूंगा। ऑफ कोर्स, वो गुरु ज्ञानी, तुम छोटे ज्ञानी, तुम्हें ऑफ कोर्स उनमें इंटरेस्ट होगा। चलो बच्चों, तो आप लोग लाइब्रेरी एक्सप्लोर करो और एंजॉय द बुक्स। क्या हुआ विवान, तुझे अचानक से किले की हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट कैसे आने लग गया? वो दीदी, मैं महाबली की वीकनेस पढ़ रहा क्योंकि वो बुरा था और बुरे लोग डेंजरस हो सकते हैं, तो इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। अरे तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे विवान? महाबली की बुराइयां सदियों पहले खत्म हो गई, अब वो जिंदा होकर कोई बाहर निकल के थोड़ी ना आएगा। थैंक यू विवान, तुमने नाश्ते के डिब्बे गिरने से बचा लिए, वरना हम सब भूखे रह जाते। वैसे तो विवान, हम किसी को थैंक यू नहीं बोलते, लेकिन तुमने नाश्ते के बॉक्सेस बचाए, इसे दिल की गहराइयों से थैंक यू विवान। मेंशन नॉट। महाबली, ये महाबली सबूत के अंदर कैसे आ गया यहाँ पे? तो अच्छाई की महक बहुत पसंद है मुझे। तुच्छ शक्तियां मेरे इस रक्षा कवच को नहीं भेद सकती, लेकिन मेरी ये तलवार हिमालय पर्वत के भी दो टुकड़े कर सकती है। लेकिन मैं इस नौसिखिए खिलाड़ी को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। हाँ, हाँ।
इमेजिन बच्चों, यहाँ पूरे एक महीने तक गुरु ज्ञानी और महाबली के बीच में घमासान लड़ाई हुई थी, घमासान लड़ाई। अरे अरे अरे, तुम लोग तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम उस वन मंथ की लड़ाई को इमेजिन कर रहे थे। वो भी साउंड इफेक्ट्स के साथ। बच्चे नॉटी हैं। चलो बच्चे लोग किले के अंदर चलते हैं। आ जा। वैसे रमाकांत अंकल, इस किले में और क्या क्या है? पता नहीं, देवो भैया के पास गुरु ज्ञानी को ढूंढने के लिए कितना टाइम बचा है।